गाइस, वेलकम टू बिहारी भूखर। आज मैं आपको रोटी से बेहतरीन रेसिपी बना करके दिखाने वाली हूँ, रोटी रोल। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आधा टमाटर काटा है, आधा प्याज काटा हुआ है और 5 से 6 हरी मिर्च काटी हुई है और 2 से 3 रोटी ले, 1 से 2 चम्मच हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया है और यहाँ स्वाद के अनुसार नमक दिया हुआ है। अब मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अंडा, एक अंडा मैंने एक कटोरे में डाला हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी सी डालूँगी अंडे के अनुसार। थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ा नमक डाला हुआ है, थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप जिस हिसाब से तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है, अच्छे तरह से मिलाएं ताकि नमक अंडे में घुल जाए, हल्दी और मिर्च पाउडर भी ठीक से घुल जाए। देखिए अब ये घुल चुका है। अब मैंने तावे को गर्म कर लिया है, उसमें तेल डाला है और इस अंडे को मैंने डाला, उस पे मैंने कटी हुई प्याज डाली हुई है, टमाटर डाला है। देखिए आप जैसे देख सकते हैं, मिर्च कटी हुई डाली हुई है। अब मैंने उस पे रोटी को डाल करके चिपका दिया है। अब इसे हम पलटाएंगे और तेल की मात्रा हम नॉर्मल डालेंगे ताकि ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं लगे। देखिए रोटी थोड़ी थोड़ी फूलने लगी है। अच्छी तरह से हम पलट पलट करके पकाएंगे। देखिए हमारी रोटी की पहली वाली रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैंने 3 से 4 रोटी लिया हुआ था। देखिए धीरे धीरे करके मैंने वो 3 से 4 रोटी रोल पका करके तैयार कर ली हुई है। देखिए देखने में कितना यमी लग रहा है। देखिए ये कितना फ्लफी लग रहा है। इसमें ना तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत है। देखिए 3 से 4 रोटी की रोटी रोल बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कितना ज़्यादा यमी लग रहा है देखने में। आप चाहें तो इसे रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस या फिर टोमेटो सॉस, किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। आप भी ज़रूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।